आज हम बात करेंगे किसकी, रेस्क्यू ड्रिल की, कि अगर कोई स्विमिंग पूल में आदमी बच्चा और डूब जाता है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उसको बचाने के तरीके कितने हैं, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, जो लाइफ सेवर है वो खुद जाता है पानी में उसको बचाने। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है, हम किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे आज कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड। कल हम आपको दिखाएंगे कौन सा, डायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले ये जो आपके सामने पड़ा है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है लाइफ बॉय। क्या है? लाइफ बॉय। इसके साथ एक रस्सी बंधा है, जहाँ भी आदमी डूब रहा है वहाँ पे हम इसको फेंकते हैं, आदमी इसको पकड़ता है और रस्सी से हम खींच लेते हैं। दूसरा ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉल। इसको क्या बोलते हैं, बॉल। इसको क्या करते हैं हम, सेम लाइफ बॉय की तरह बॉल को भी हम फेंकते हैं, क्योंकि लाइफ बॉय कम दूरी तक फेंक सकते हैं, बॉल को हम लंबी दूरी तक फेंक सकते हैं। तीसरा है ये बम्बू स्टिक। क्या है ये? बम्बू स्टिक। बम्बू स्टिक से क्या करेंगे, अगर हमारे पास में ही कोई डूब रहा है बिल्कुल पास में, तो हम उसकी तरफ बम्बू को इस प्रकार से बढ़ाएंगे, वो बम्बू पकड़ेंगे, हम उसको खींच लेंगे। अभी हम इसको आपको ऑन ग्राउंड करके दिखाएंगे। ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाना यहाँ से क्या करेगा आदमी, हाँ इसको जैसे पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको रस्सी के साथ अपनी ओर इस प्रकार से सीधा खींच लेंगे। क्लियर है? यह हमारा है मेथड नंबर वन। नाम पूल बॉय। क्या है? पूल बॉय के साथ लाइफ सेविंग। क्लियर? ओके, मेथड नंबर टू इस प्रकार से, यहाँ से बंदा दिख रहा है, यहाँ से सीधा उसके ऊपर जैसे ही पकड़ लिया, यहाँ से सीधा बोल के साथ इसको इस प्रकार से हम इस प्रकार से। ओके, मेथड नंबर तीन, अगर कोई हमारे बिल्कुल पास में डूब रहे हम उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से बम स्टिक उसके हाथ के पास रखेंगे, वो अपने आप बम स्टिक पकड़ेंगे, यहाँ से हम उसको बम स्टिक के साथ इस प्रकार से क्या करेंगे। हो गया, तो ये थे हमारे यहाँ क्या, तीन इनडायरेक्ट मेथड लाइफ सेविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन या स्विमिंग पूल के लाइफ सेविंग मेथड। तो किसी को समझ में ना आए हो, ऐसा कोई हो तो हाथ ऊपर, सबको समझ में आ गया? ओके, तब तक के लिए कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय कर दो सभी।